हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करेंगे इलाहाबाद की स्टेट यूनिवर्सिटी राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जहां के एग्ज़ाम्स कवर अप हो चुके हैं और MGKVP के बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो यहां का BSc फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पेपर अवेलेबल हुआ है। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस टू ऑल ऑफ यू। ओके, पेपर देखते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का, ये इन लोगों ने जो पेपर कराया है दैट इज ऑफ 2 आवर्स, बट हमारे यहाँ 27 से पेपर स्टार्ट है। और पहला पेपर बॉटनी का है, माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी का। NEP में ये दूसरी बार पेपर होने जा रहा है, लेकिन पिछली बार 1.5 घंटे का हुआ था, बट इस बार पूरे 3 घंटे का पेपर है। और फर्स्ट पेपर देते वक्त बच्चे थोड़ा सा मेंटली बहुत अभी प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, एक घबराहट रहती है, घबराहट रहती है, लेकिन उसको आप एग्ज़ाम में 15 मिनट के अंदर उससे बाहर निकलिएगा और ध्यान से पेपर को करिएगा। सो ये एक सैम्पल पेपर की तरह आपके लिए काम करेगा। तो मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। इसमें लिखा है कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो भी आपको डायरेक्टेड हैं। सेक्शन ए है वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक। अटेम्प्ट एनी 3, 5 में से आपको 3 करना है, 50 शब्दों में लिखना है। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट कमेंट लिखना है किन्हीं 3 पे। द फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। सेकेंड वन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, ये जो आपका डिजीज सिम्टम में है उस यूनिट से आपको ये है। रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोपी में पढ़िए क्या होता है रिजॉल्व। हेलोटिज्म फंजाई के न्यूट्रिशन में हेलोटिज्म आपको मिलेगा। सिनोबियम वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है। देन इसके बाद अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 9 नंबर के हैं। इसमें है आपका डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। सेकेंड वन व्हाट इज लाइकेन, गिव टाइप ऑफ लाइकेन ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, लाइकेन पूरा पढ़ जाइएगा, इम्पॉर्टेंट होता है लाइकेन माइकोराइजा सारा। द फोर्थ वन इज डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, डायग्राम वेल लेवल डायग्राम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखिए। नाउ द फिफ्थ वन डिफरेंशियल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये थ्योरी में पूछा है बट ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज माइक्रोस्कोपी एंड डिफाइन इट्स टाइप, ठीक एग्जैक्ट लिखिएगा। और माइक्रोस्कोपी में जो इनके वर्किंग प्रिंसिपल का डायग्राम होता है वो बनाइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज साइकिल। नाउ द एट्थ वन व्हाट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, राइट इट्स सिम्टम, ठीक है इम्पॉर्टेंट है। अर्ली ब्लाइट आपको पता है अल्टरनेरिया सोलैनी से होता है, फंगल डिजीज है, उसके सिम्टम्स डिजीज साइकिल जो भी चीज़ें आपको याद होगी सब प्रॉपर लिखते जाइएगा। फिर लॉन्ग आंसर में आपको 4 में से कोई 2 करने हैं, 15 नंबर के हैं। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब इट इन डिटेल, UG PG बोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमनिस, हमारे यहाँ पिछले साल भी आया था और पक्सीनिया 2 होस्ट होने की वजह से इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर पूछा है डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ ओडोगोनियम, ओडोगोनियम अगेन एल्गी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, एक्सप्लेन लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज विथ अ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हैं, ऑप्शंस हैं कि आपको इसमें से 2 करने हैं या 3 करने हैं। अच्छे डायग्राम बनाइए, टू द पॉइंट लिखिए, और एक शांत मन के साथ अगर आप पेपर करेंगे तो आपके पेपर सही जाएंगे एंड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।